हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू, UIS एकेडमी कोरबा से। तो आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी का जो चौथा पार्ट था, कक्षा, उसको आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमको समझना ये है कि कक्षा क्या होता है, कक्षा ऑर्बिट। तो कक्षा उसे कहेंगे जैसे कोई खगोलीय पिंड है। क्या है? कोई खगोलीय पिंड है। मान लीजिए ये कोई खगोलीय पिंड है और इस खगोलीय पिंड के चारों ओर का वृत्ताकार या वृत्तीय पथ, सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इसके चारों ओर का जो वृत्तीय पथ है जिस पर कौन उपग्रह क्या करे, परिक्रमा करे, जिस पर उपग्रह क्या करे, इस रास्ते को पकड़ते हुए परिक्रमा करे, इसे ही कक्षा कहा जाता है। तो कक्षा क्या होता है ये समझ में आ गया। किसी भी खगोलीय पिंड के चारों ओर का जो वृत्तीय पथ है उसे कक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम समझेंगे कक्षा कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना ये है कि कक्षा को चार भागों में बांटा गया है। पहला भाग है खगोलीय पिंड के आधार पर, है ना। किसके आधार पर है? खगोलीय पिंड के आधार पर। तो समझते हैं, खगोलीय पिंड के आधार पर जियोसेंट्रिक उसे कहा जाएगा जो पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे, हेलियोसेंट्रिक उसे कहा जाएगा जो सूर्य की परिक्रमा करेंगे, है ना, ल्यूनार ऑर्बिट चंद्रमा की कक्षा को ल्यूनार ऑर्बिट कहा जाएगा, और मार्स ऑर्बिट किसे कहा जाएगा, मंगल ग्रह की कक्षा को कहा जाएगा। ध्यान से समझेंगे, जियोसेंट्रिक पृथ्वी की कक्षा को कहा जाता है, हेलियोसेंट्रिक सूर्य की कक्षा को कहा जाता है, ल्यूनार ऑर्बिट चंद्रमा की कक्षा को कहा जाता है, और मार्स ऑर्बिट मंगल की कक्षा को कहा जाता है। तो इस तरह से कक्षक को जो चार भागों में बांटा गया है, पहला भाग खत्म, ठीक है। दूसरा भाग जब हम देखेंगे तो दूसरे भाग में ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? ऊंचाई के आधार पर। तो जब हम ऊंचाई के आधार पर बांटते हैं तो ऊंचाई के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। अब वो तीन भाग कौन से हैं? तो LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा। दूसरा है MEO, तीसरा है HEO। तो पहला लोअर है तो दूसरा मिडिल, और लास्ट जो है हाई अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पर समझना यह है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट किसे कहा जाएगा। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के समुद्र से 200 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर पर कार्बन रेखा होता है, ये मैंने आपको बताया था। 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक को क्या कहा जाएगा? लोअर अर्थ ऑर्बिट कहा जाएगा। इसी प्रकार मिडिल अर्थ ऑर्बिट, तो देखिए कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 2000 पे। तो 2000 से 35786 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। ये आपके समझने के लिए, लेकिन आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट को लेकर जब पूछेगा तो 20200 आपके ऑप्शन में होगा, ठीक है, ये आपको टिक करना है। इसलिए यहाँ पर भी आप यही रख दीजिए, 20200, ठीक है। और हाईली अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं 36000 किलोमीटर के ऊपर की ऊँचाई। तो इस तरह से ऊंचाई के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, लोअर अर्थ ऑर्बिट निम्न भू कक्षा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट मध्य भू कक्षा, और हाईली अर्थ ऑर्बिट उच्च भू कक्षा, ठीक है। लोअर अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई कहाँ होती है? 200 से 2000 किलोमीटर। मिडिल अर्थ ऑर्बिट की 2000 से 20200, और हाईली अर्थ ऑर्बिट 36000 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई को कहा जाता है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में कैसे उपग्रह रखे जाते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में रिमोट सेंसिंग उपग्रह रखे जाते हैं, जासूसी उपग्रह रखे जाते हैं जिससे हम जासूसी कर सकें, प्रायोगिक उपग्रह रखे जाते हैं। जबकि मिडिल अर्थ ऑर्बिट में आप नौवहन प्रणाली, है ना, देखेंगे अपन नेविगेशन और GPS। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आया कि नेविगेशन और GPS के जो सिस्टम होंगे, उस सिस्टम को चलाने के लिए जो हम सैटेलाइट भेजते हैं वो कहाँ भेजते हैं? हम मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और अधिकतर उपग्रह 20200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजे जाते हैं, इस कारण मैंने यहाँ पर 20200 लिखा है। हालांकि वो 2000 से 35786 होता है, लेकिन आप 20200 याद रखिए, ठीक है। और हाईली अर्थ ऑर्बिट 36000 से ऊपर किलोमीटर, यहाँ पर हम संचार और मौसम संबंधी अध्ययन के लिए उपग्रह भेजते हैं।
तो उपग्रहों के प्रकार भी यहाँ से आपको समझने होंगे कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में हम रिमोट सेंसिंग और जासूसी के लिए जो उपग्रह हैं वो उपग्रह भेजेंगे, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में हम नेविगेशन और जीपीएस सिस्टम के रिलेटेड सैटेलाइट भेजेंगे, और हाईली अर्थ ऑर्बिट में हम संचार और मौसम से रिलेटेड सैटेलाइट भेजते हैं। तो इतना हमको क्लियर हो गया, ऊंचाई के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं कक्षा, ठीक है। ये ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, कक्षा। तीसरा देखते हैं, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है कोण के झुकाव के आधार पर। तो कोण के झुकाव के आधार पर तो उपग्रह दो ही तरह से झुका होता है, पहला 90 डिग्री और दूसरा 0 डिग्री। 90 डिग्री पर झुके जो सैटेलाइट होते हैं वो सैटेलाइट सामान्यतः 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और इनकी कक्षीय अवधि 100 मिनट होती है। कितनी होती है, 100 मिनट होती है। और इस तरह ये 600 किलोमीटर पर 90 डिग्री झुकाव, 100 मिनट की कक्षीय अवधि, ये ध्रुवीय कक्षा को बताता है। कौन सी कक्षा को बताता है, ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट को बताता है। इस तरह से 90 डिग्री पर कौन सा ऑर्बिट होता है, पोलर ऑर्बिट होता है, ध्रुवीय कक्षा होती है। क्लियर है इतना। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि यहाँ पर जो सैटेलाइट है हमारे भारत में PSLV, मैंने आपको पिछले वीडियो में PSLV के बारे में पढ़ाया, वहाँ से आप PSLV के बारे में देख सकते हैं। तो PSLV जो लॉन्चिंग व्हीकल है, रॉकेट है, उसकी मदद से हम जो है सैटेलाइट कहाँ भेजते हैं, यहाँ पर भेजते हैं, ध्रुवीय कक्षा में भेजते हैं। यहाँ पर हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजते हैं। कौन सा सैटेलाइट भेजते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। लेकिन देखेंगे इस सैटेलाइट की मैक्सिमम अवधि 7 साल होती है ना, सीमित काल के लिए होता है। कारण क्या है, तो 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 100 मिनट इसकी कक्षीय अवधि है, तो इससे होता ही है कि ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ जाते हैं, और जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आते हैं तो ये अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो इसके कारण होता ये है कि इनको वापस अपने रास्ते में लाने पर ऊर्जा देना पड़ता है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो ऊर्जा ईंधन से मिलेगा, ईंधन का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, तो ऊर्जा ईंधन से आपको मिलेगा। और इस एक्स्ट्रा ईंधन के कारण इनका जो ईंधन खत्म होता है, इसके कारण इनका समय सीमित हो जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, तो 90 डिग्री झुकाव पर ध्रुवीय कक्षा होती है जो 600 किलोमीटर पर होती है, जहाँ पर उपग्रह की कक्षीय अवधि 100 मिनट होती है। PSLV यानों की मदद से भारत अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यहाँ भेजता है, जिसकी अवधि सीमित समय के लिए होती है, 7 साल लगभग होती है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इनका समय जो है सीमित हो जाता है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इस कारण इस भाग में अंतरिक्ष कचरों की समस्या ज़्यादा है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष कचरों की समस्या ज़्यादा कहाँ है, तो ध्रुवीय कक्षाओं पे है। उसके बाद हम जब 0 डिग्री की बात करेंगे तो 0 डिग्री पे 2 बनेंगे, है ना। 0 डिग्री जहाँ झुकाव होता है वहाँ कैसा होगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर 0 डिग्री झुकाव है तो 0 डिग्री को लेकर हम 2 कक्षाएं पढ़ेंगे, एक है GEO और एक है GSO। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको, है ना, एक बार बस समझ लेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 0 डिग्री जब झुकाव हो तो वहाँ पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, मतलब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह का झुकाव 0 डिग्री होता है, और यहाँ पर अवधि 24 घंटे की होती है, मतलब पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होती है। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जो सैटेलाइट भेजते हैं, कौन से सैटेलाइट भेजते हैं, तो अभी हम मैंने बताया कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर संचार और मौसम संबंधी सैटेलाइट हम भेजते हैं, है ना। अभी हमने हाईली अर्थ ऑर्बिट में इस चीज़ को पढ़ा था। तो इसके बाद हम समझेंगे कि 0 डिग्री झुकाव पर 36,000 किलोमीटर 24 घंटे की अवधि, है ना, इसमें GEO और GSO को बांटा जाता है। GEO का फुल फॉर्म है भूस्थैतिक कक्षा, जबकि GSO भू तुल्यकालिक कक्षा। अब दोनों में अंतर समझते हैं। जियोसिंक्रोनस इक्विलेटरल ऑर्बिट और ये है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, दोनों में अंतर क्या है। शॉर्ट में हम GEO GSO पे बात करें। GEO जैसे ये एक्सिस है XY और ये हमारा पृथ्वी है, बीचों बीच क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर के ऊपर मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर जो उपग्रह उपस्थित होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उसे भूस्थैतिक कक्षा कहते हैं। ये
इसका भी घूर्णन काल 24 घंटे होता है और इसका भी घूर्णन काल 24 घंटे होता है, ये समझेंगे। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो इसमें ये है कि ये भूमध्य रेखा के ऊपर होता है और एक ही जगह स्थित रहता है, ठीक है, समय के साथ बदलता नहीं है। जबकि GSO जो है भूतुल्यकालिक कक्षा में ऐसे सैटेलाइट भेजे जाते हैं जो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, लेकिन जैसे आज आपने 3 बजे जिस जगह पर जिस उपग्रह को देखा है वो अगले दिन भी 3 बजे उसी जगह पर दिखाई देगा, वो समय के साथ अपना स्थान बदलेंगे, ठीक है, और ये समय के साथ नहीं बदलते हैं, एक ही जगह स्थिर रहते हैं, घूर्णन कर रहे हैं लेकिन एक ही जगह स्थिर रहते हैं, इसीलिए इसको स्थैतिक कक्षा कहा जाता है और इसको तुल्यकालिक कक्षा। अब समझना, अगर इक्वेटर पे है कोई सैटेलाइट, अगर इक्वेटर पे 36,000 किलोमीटर पर है और समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है तो वो कौन सी कक्षा में है, भूस्थैतिक कक्षा में है। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाए, है ना, समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित करे, 24 घंटे उसका घूर्णन काल हो, तो ऐसे सैटेलाइट कहाँ भेजे जाते हैं, भूतुल्यकालिक कक्षा में, और मान लो ये पृथ्वी है तो किसी तरफ भी, इस तरफ किसी भी तरफ जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूतुल्यकालिक कक्षा होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना जरूरी है ना, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जितने भी GEO हैं ये GSO कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 0 डिग्री झुकाव है, 24 घंटे हैं, तो जितने भी GEO हैं वो GSO कहलाते हैं, लेकिन जितने भी GSO हैं वो GEO नहीं कहलाते, ये याद रखेंगे, ये कहलाएंगे GEO, GSO कहलाते हैं, मतलब भूस्थैतिक कक्षा भूतुल्यकालिक कक्षा कहलाती है, लेकिन जितने भी भूतुल्यकालिक कक्षा हैं वो भूस्थैतिक कक्षा नहीं कहला सकते, है ना, अंतर आप समझना है इसको अच्छे से, है ना, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक अन्य चीज़ इन दोनों से रिलेटेड एक फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, GTO बोलते हैं जिसको, है ना, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं इसको, GTO का कॉन्सेप्ट है ये, GEO और GSO के कुछ कम ऊंचाई पर होता है, मतलब लगभग 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, 35,000 किलोमीटर की लगभग ऊंचाई पर होता है। तो पहले उपग्रह को GTO में भेजा जाता है और उसके बाद GEO या GSO में भेजा जाता है, तो ये समझने के लिए था GTO क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कोण के झुकाव के आधार पर हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री को देख लिया, अब हम कक्षीय आकार के आधार पर देखेंगे कि कक्षीय आकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक है दीर्घवृत्ताकार कक्षा, एक क्या है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा, और एक है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। तो चलिए समझते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा क्या है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा क्या है। तो पहले सूर्यतुल्यकालिक कक्षा को देख लेते हैं, सूर्यतुल्यकालिक कक्षा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है SSO किसे कहा जाता है, तो SSO सूर्यतुल्यकालिक कक्षा है उसे कहा जाता है जो नॉर्मली 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, ध्रुवीय कक्षा को बताता है, तो कहीं ना कहीं क्या है ये एक तरह का पोलर ऑर्बिट ही है, क्या है, पोलर ऑर्बिट, और पोलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको 90 डिग्री पर बताया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप 90 डिग्री पे जो पोलर ऑर्बिट मैंने आपको पढ़ाया ध्रुवीय कक्षा उसको आप इससे लिंक करके देख सकते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा से, ठीक है। इसके बाद हम दीर्घवृत्ताकार कक्षा को देखते हैं कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा क्या होता है, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा ये है कि साधारणतः ध्रुवीय क्षेत्रों में संचार सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए हम दीर्घवृत्ताकार कक्षा का प्रयोग करते हैं। जनरली संचार सुविधाएं जो है, अगर ध्रुवीय क्षेत्रों में हमको संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना है तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर उपग्रह जो है वो ध्रुवों के ऊपर ही भ्रमण करते हैं। तो इस तरह से हमने आज कक्षा को देख लिया कि कक्षा 4 प्रकार से, खगोलीय पिंड के आधार पर जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक, लूनार ऑर्बिट, मार्स ऑर्बिट, ऊंचाई के आधार पर LEO, MEO और HEO, कोण के झुकाव के आधार पर 0 डिग्री और 90 डिग्री, और कक्षा के आधार पर, कक्षीय आकार के आधार पर दीर्घवृत्ताकार कक्षा और सूर्यतुल्यकालिक कक्षा। तो इस तरह से आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।